सदस्यता रद्द कर दी गई है मोदी द्वारा, क्या है मामला? देखिए, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता का मामला है, एक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो 2 साल से अधिक सजा किसी को हो जाती है उसके अंदर उसकी सदस्यता खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और सांसद को दिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1 महीने का समय मिलना चाहिए चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि 1 महीने तक हाईकोर्ट से अगर उनकी अपील स्वीकार नहीं होती है, सजा पे दोषी के बेस्टर नहीं होता तो सजा रद्द की जा सकती थी। लेकिन आनंद फन में एक ही दिन में सजा खत्म करना, ये इमरजेंसी की ओर जा रहा देश। जो गलती इंदिरा गांधी ने करी थी वही गलती मोदी और ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल की सजा का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या, और लोकतंत्र की हत्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समूचा विपक्ष इस मामले की निंदा करता है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग बाग गए, हम भी चाहते हैं कि आज हम मान लो कोई रास्ता रोके, 32-53 का केस बनता है, ऐसे तो आप दुश्मनी से किसी नेताओं को काम ही नहीं करने दोगे। हम आंदोलन करते हैं, 5 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक तरीके से ये तो जनप्रतिनिधियों का अपमान हो गया। इस धारा में, इस एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए। इसके अंदर ये तय होना चाहिए कि क्राइम किस प्रकार का है। अगर कोई बलात्कार करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई हत्या करता है, लूट करता है, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जनता के लिए जो आंदोलन करता है, जनता का मामला हो, जनता के लिए लड़ते हुए हमें अगर सजा होती है 2 साल की 3 साल की, तो अपील का प्रावधान भी होता है, उसमें छूट मिलनी चाहिए और इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन होना चाहिए।